नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के पटमदा थाना अंतर्गत रंगाटांड के समीप पिकअप वैन और ऑटो के बीच सीधी टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सभी घायलों को MGM अस्पताल लाया गया है, जहाँ 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी चांडिल से अपने गांव पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिडरा लौट रहे थे। इसी बीच कटिंग के समीप एक पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं घटना में ऑटो का चालक भी घायल हुआ है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। हम लोग आ रहे थे चांडिल से, पटमदा बुढ़ाम का आ रहे थे, तो उसमें से हम लोग का गाँव है आपका बिडरा में, और कटिंग तरफ से जो डाला आ रहा था गाड़ी था, एक बार कैसे तो टक्कर मार दी। हम लोग तो पीछे में तब समझ नहीं सके, मतलब पीछे का सीट में हम लोग बैठे हुए थे, जो ड्राइवर चला रहा था वो तो पूरा घायल हुआ बैठा वहीं पर, उसको पहले भी अंदर के हम लोग इतना मंत्रा में थे, 5 आदमी थे हम लोग, छोटा बच्चा कहाँ छोड़ के जाएंगे। जिनका गाड़ी है सर वो तो खुद भरती है, मतलब गाड़ी में थे हम लोग पैसेंजर था, जो गाड़ी में मारा वो डाला गाड़ी था ना, पिकअप वैन तो नहीं बोल ना सकेंगे। चोट लगा हुआ है 3 आदमियों को चोट लगा है, और बच्चे मतलब 4-5 आदमी को चोट लगा हुआ, बच्चा चल लेके तो तक बच्चा को भी लेके घुसे थे। वो आपका रंगाटांड में हुआ था, पटमदा रंगाटांड, हम लोग रहने वाले हैं बिडरा का, पटमदा थाना। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।